आज इस अवसर पर जो प्रबंधक गण हैं, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया इस भवन को आगे बढ़ाने का, मैं इनको शुभकामना देता हूं। और केवल शुभकामना से तो काम नहीं चलेगा, सबसे पहले तो मुझे लाइब्रेरी में ले जाइए। तो मेरे मन में आया कि इन लाइब्रेरी में थोड़ी सी किताबों से क्या काम चलेगा, तो उस लाइब्रेरी को आगे बढ़ाइए। और उसको बढ़ाने के लिए अच्छे पढ़े लिखे जो नौजवान आते हैं, आजकल वो किताबों से नहीं पढ़ते हैं, वो डिजिटल लाइब्रेरी चाहिए उनको। तो इस कमरे में 2 से 5 जितनी आपकी इच्छा हो उतने कंप्यूटर लगवाइए, और उस कंप्यूटर में किताबों का खर्चा नहीं आता, केवल कंप्यूटर का खर्चा आता है, इंटरनेट का कनेक्शन लगाना पड़ता है। फिर वो ई बुक्स के हिसाब से कहीं से भी दुनिया से कोई भी किताब निकालता है और उसको पढ़ लेता है, ठीक है ना। तो हाँ, ई लाइब्रेरी, और ई लाइब्रेरी का खर्चा अनुमान 2 से लेकर 3 लाख तक या 4 लाख तक जितना आए, बीच साहब को बता देना, 2 से 4 लाख ई लाइब्रेरी के अंदर लगवा दीजिए। 5 कंप्यूटर कम से कम हो सकते हैं, या आपको लगता है जगह कम है, पढ़ने वाले कम है, तो 2 तो जरूर करिए, ताकि जो किताबों से पढ़ना चाहे किताबों से पढ़े, और जो कंप्यूटर में ई बुक से पढ़ना चाहे उससे पढ़े। और जहां तक अलग से भवन का विषय है, पहले भी मुझे लगता है 2 बार शायद इसमें हमारा योगदान आ गया है, एक बार 15 लाख आया, एक बार 5 लाख आया, अभी मैं 11 लाख रुपए का और एक अनुदान इसके लिए संकेत करता हूँ, ताकि आप और आगे बढ़े।